सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव ठरडा में 1400 मीटर की लिंक सड़क का लोकार्पण विधायक मनोज मेघवाल ने शिलापट्ट का अनावरण करके किया है। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आम जनता की सुविधा मिसिंग लिंक व सड़कों की मरम्मत के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट दिया गया है, जिसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत राम नारायण सारण, नारायण सिंह, मोहित पारासर, किशोर सेन, नंदलाल रणवा आदि ने माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान पुसाराम गोदारा, मोहनलाल पुजारी, उप सभापति अमित मारोठिया, विद्याधर बेनीवाल, दीवान सिंह वानिश्रिया, भंवरलाल मोयल, आनंद सिंह, विक्रम सिंह, उषा बगड़ा, मधु बागरेचा, इकबाल काड़ूराम, बिलाल भुरान, भंवर अली कुरेशी, बजरंग सेन, मास्टर दाऊद काजी, पार्षद मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, आनंदीलाल प्रजापत, मनोज गुलेरिया, रामावतार शर्मा, पार्षद सिराज का कायम खानी, सलीम का कायम खानी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जानगढ़ क्षेत्र में पहले भी 14 सड़कें का नवीनीकरण में लिया गया था, जिनको बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए थे और क्षतिग्रस्त थी। उन सड़कों में आज इस सुजानगढ़ के जो निकलते ही नतलाब से ये शुरू होती है, वहाँ से लेकर ठरडा गांव तक की मिसिंग लिंक का नवीनीकरण हुआ। साथ में 14 सड़कें हैं जिनका नवीनीकरण हुआ। मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकटता हूँ कि उन्होंने भी 6 और सड़कें सुजानगढ़ तहसील और बिदासर सड़कें तहसील में नवीनीकरण विस्तारीकरण के लिए मंजूर किए हैं और जिनका भी शीघ्र ही काम शुरू होगा। ये सड़कें भी सिर्फ वही सड़कें होंगी जो पहले से बनी हुई हैं या क्षतिग्रस्त हैं, उनके सुधार के लिए, उनके विस्तार के लिए या नवीनीकरण के लिए ये सारी नगर परिषद एरिया में जो है उसमें ये काम होगा। करीब 20 किलोमीटर की ये सड़कें बनेंगी इस 6 करोड़ रुपये। भाजपा नेता राजकुमार तंवर द्वारा जिला विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर की जा रही भूख हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार शाम को अपनी योजना के एफसीएन रामावतार सैनी धरना स्थल पर पहुंचे और सुलह की कोशिशें की। धरनार्थी राजकुमार तंवर की ओर से बीजेपी नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, खुशीराम चांद्रा, कमल दादी, गंगाधर लाखन, महेश जोशी, मनीष कोठड़िया आदि ने वार्ता की। करीब आधे घंटे तक चली वार्ता में पाइपलाइन को हटाने पर कोई आम सहमति नहीं बनी, जिसके चलते वार्ता विफल हो गई और भूख हड़ताल इसी प्रकार अनवरत जारी रहेगी। राजकीय बगड़िया अस्पताल में विधायकों से दी गई नई एक्सरे मशीन में एनएचएम से बनाए गए शेड का लोकार्पण विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काट कर किया है। इन सुविधाओं से आम लोगों को रोज रोज एक्सरे मशीन के खराब होने की शिकायतों से निजात मिलेगी। वहीं दवाई या पर्ची लेने के लिए लाइन में लगे लोगों को अब धूप से निजात मिलेगी। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति अमित मारोटिया, पूर्व सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी, पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, मास्टर दाऊद काजी, मोहम्मद इदरीस गोरी, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, मधु बागरेचा, मोहसिन खान, मदन सोनी, कन्हैयालाल वाणी, पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी, डॉक्टर दिलीप सोनी, विद्या प्रकाश बागरेचा सहित अनेक कांग्रेस नेतागण व चिकित्सकगण मौजूद रहे।